हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं, स्वस्थ हैं। सो आ गई हूँ सारा तुलसी विवाह का काम करने के बाद में अब किचन में। सो किचन में हो रही है खाने की तैयारी। तो आज मैं बनाने जा रही थी अपना अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैं घर पर बनाती हूँ। और मैंने आप लोगों से कहा था कि जब मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी जरूर से शेयर कर दूंगी। सो आज मैं बना रही थी अदरक लहसुन का ये पेस्ट। सो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो मैं थोड़ा सा पेस्ट बना रही हूँ आज। तो इसकी जो क्वांटिटी मैंने चीज़ों की ली है, मैं आप लोगों के साथ में वो भी बता दूंगी कि लगभग कितने हद तक का ये सामान होगा और क्या क्या मैं यूज़ करती हूँ, कितनी क्वांटिटी में यूज़ करती हूँ। और शेल्फ लाइफ जो इसकी है वो 1 हफ्ते से 15 दिन तक की होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना इसमें पानी डाल रहे हैं, कितना इसमें क्या चीज़ें ये कर रहे हैं। जब भी आप इसको बनाएंगे तो ग्लास का जो बर्तन होता है, कांच के बर्तन में या कांच के किसी कंटेनर में इसे स्टोर करना है। और चम्मच, जब भी आप इसे निकालेंगे तो हर बार अच्छे से साफ सुथरी धुली हुई फ्रेश चम्मच यूज करेंगे। किसी में मतलब जैसे कुछ सामान मसाले मिर्ची और निकाले उसी से इसको निकाल लिया, तो उस तरीके से इसे हमें नहीं करना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाता है। सो 15 दिन मैक्सिमम इसकी जो है शेल्फ लाइफ रहती है, इसे हम बना के स्टोर कर सकते हैं। घर में बहुत सारी चीज़ों में हमें जैसे राजमा बना रहे हैं, छोले बना रहे हैं या कोई थिक ग्रेवी बेस्ड चीज़ बना रहे हैं, उसमें ये इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है खाने में। या फिर जैसे मैं माही के स्कूल के लिए सूजी का चीला बनाती हूँ, उसको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कंपेयर टू बेसन का चीला, सूजी का चीला थोड़ा सा क्रिस्प होता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है खाने में, तो उसको बहुत अच्छा लगता है ये चीज़। तो उसमें भी मैं ये थोड़ा सा पेस्ट जो है डालती हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उससे। तो बाकी बातें हम लोग साथ साथ करते रहेंगे, पहले चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। तो जो कुछ थोड़ा बहुत मैंने सामान करके रख लिया है, जैसे लहसुन है उसको छिलने में बहुत टाइम लगता है, अदरक को भी मैंने ऊपर से हल्का हल्का पील कर लिया है, बाकी हम लोग वीडियो देखते देखते बात करते हैं। सो ये यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन जो है वो छील के ले लिया है। सो अब हमें एक काम और करना है, जैसे ये अदरक है तो इसके इतने बड़े बड़े पीसेस जो हैं ये तो मिक्सी में नहीं चलेंगे, तो हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले अदरक को छोटे छोटे जो है पीसेस में, जैसे वो मिक्सी में चल जाए आराम से, छोटे छोटे और पतले पतले पीसेस में इसको इस तरीके से मैं काट के ले रही हूँ। तो ये अदरक जो है जितनी पतली कटी हुई होती है उतनी जल्दी पिसती है, क्योंकि अदरक जब मुंह में आती है खाते समय तो इसका टेस्ट बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है, कई लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है बट ज्यादातर लोगों को अदरक का ऐसा टेस्ट जो है नहीं पसंद आता है, तो इसलिए वो ना हो हमारे खाने में, इसलिए हम इसको पहले अच्छे से कट कर लेंगे पूरा। तो ये जो अदरक है ये लगभग 100 ग्राम के करीब अदरक होगी इसमें। हाँ, 100 ग्राम तो मतलब पक्की बात है कि 100 ग्राम तो है, 100 ग्राम अदरक, 100 ग्राम लहसुन और मिर्ची मैं लेती हूँ 50 ग्राम। इसका जो है हाफ प्रोपोर्शन हम मिर्च का लेते हैं। आपको अगर मिर्ची ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा ले सकते हैं, कम पसंद है तो कम ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर मिर्च खाना नहीं पसंद करते हैं तो हरी मिर्च को इस पेस्ट में आप टोटली एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो ये जो मिर्ची का जो चीज़ होती है ये टोटली आप पे डिपेंड करती है। सो इसको मैं काट लिया पूरा मैंने, नहीं थोड़ी सी बाकी है, तो इसको भी फटाफट छील के मैं काट लेती हूँ यहाँ पर। तो ये मैंने अदरक जो है यहाँ पे पतली पतली चॉप कर ली है, इसी में मैं इसके हिसाब का लहसुन डालूंगी। उसको मिक्स करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अदरक भी, अदरक लहसुन दोनों एक बराबर का हो गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च। ये वाले डब्बे जो हैं ये बहुत अच्छे हैं मिर्ची, धनिया या जैसे परवल, कुंदरू जैसी सब्जियां स्टोर करने के लिए। इसमें ना इस डब्बों में सब्जी खराब नहीं होती है, मतलब मैंने तो गिव अप कर दिया था अपने धनिया को लेकर के, मैंने धनिया लाना ही बंद कर दिया था इस चिड़ में कि धनिया मेरा हमेशा पॉली बैग में या पेपर में रखने में भी खराब हो जा रहा था। सो ये डब्बे में ये है कि नीचे इस तरीके से ट्रे है, एक सब्जी इसके ऊपर रहती है और जो भी मॉइस्चर होता है वो नीचे ड्रेन हो जाता है, सब्जी पर टच नहीं होता है।
तो बड़े अच्छे डब्बे हैं ये, आप लोग भी चाहें तो फ्रिज कंटेनर के नाम से ये अमेजोन पे, मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे, सब पे अवेलेबल हैं, आप भी इसको मंगवा सकते हैं। सो इस तरीके से मैं इसके जो मिर्ची के डंठल हैं इनको मैं हटा के इसमें डाल दे रही हूँ। मिर्ची तो वैसे मेरे पौधे में भी खूब सारी लगी हैं, अभी उसका टाइम निकालना पड़ेगा मुझे उसको भी हार्वेस्ट करने के लिए ताकि दूसरी मिर्च फटाफट और लगे। तो इसमें ये मैंने लगभग जो है 50 ग्राम के करीब मिर्च इसमें मैंने निकाल ली है। इसको ग्राइंड करने से पहले एक बारी पानी से अच्छे से हम लोग धो लेते हैं, तब इसको हम ग्राइंड करेंगे। फिर ये जार मैं ले लिया, इसमें अब मैं सब चीजों को डाल लूंगी और अच्छे से इसको हम लोग ग्राइंड कर लेंगे। सो कोई नमक नहीं ऐड करना है इसमें, कुछ नहीं ऐड करना है, बस हल्का सा, बहुत ही हल्का सा जो है पानी हम इसमें ऐड कर देंगे सो दैट ये सब चीजें स्मूथली चल जाए। तो इसको अब मैं चला देती हूँ। सो ये देखिए, ये मैंने इसको पीस के ले लिया है और बिल्कुल स्मूथ कंसिस्टेंसी जो है इसकी पीस के आ गई है इस तरीके से। इस तरीके से इसको हमें पीस के ले लेना है और इसे कांच के बर्तन में हम स्टोर करेंगे। सो इस तरीके से ये वाला जो ग्लास का है ये मेरा डेजिग्नेटेड बॉटल है इसी के लिए, इसी में मैं हमेशा अपना अदरक लहसुन का पेस्ट जो है बना के रखती हूँ और उसके बाद जब इसमें ख़त्म हो जाता है इसको अच्छे से वॉश करके मैं धूप लगा लेती हूँ क्योंकि अदरक लहसुन जो है उससे थोड़ी सी स्मेल आती है चीज़ों में, बर्नी वगैरह में, तो थोड़ी सी धूप लगा के फिर मैं दोबारा इसमें फ्रेश जो है भर के रखती हूँ। सो देख रहे हैं जैसे कि बिल्कुल ही आराम से पिस गया है, ये अच्छी स्मूथ कंसिस्टेंसी है इसकी। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप इसको बनाएंगे स्टोर करेंगे तो जैसे हम स्टोर करते हैं तो इसमें अदरक वगैरह अपना जूस छोड़ती है तो उसकी वजह से इसका कलर हल्का सा चेंज होता है, हल्का सा ग्रीनिश टोन जो है इसमें आ जाता है। तो नॉर्मल है, उसका मतलब ये नहीं है कि ये खराब हो गया है पेस्ट या कुछ है, नॉर्मल है वो। इस तरीके से जो है मज़ेदार सा ये पेस्ट बनता है, हैंडी होता है, बाजार के पेस्ट से तो डेफिनेटली 100 टाइम्स बेटर होता है। जो लोग बाजार का बना हुआ मदर्स रेसिपी का या कोई भी पेस्ट आप लोग लाते होंगे, मैं भी लाती थी पहले क्योंकि वो अपनी लाइफ बहुत ईजी कर देती हैं वो चीज़ें। तो आप लोग अगर बाजार से बना बनाया जिंजर गार्लिक पेस्ट लाते हैं तो उनसे खास मैं कहूंगी कि थोड़ी सी मेहनत है, मैं जानती हूँ। एक बार इसको आप बना के देखिए, दोबारा से आप कभी भी मार्केट वाला पेस्ट जो है अदरक लहसुन का नहीं लाएंगे, भूल जाएंगे उसको। और ये हमारा पेस्ट बन गया, रेडी हो गया बिल्कुल। सो ये अदरक लहसुन का पेस्ट बन गया, रेडी हो गया, बहुत टेस्टी बनता है। टेस्टी मतलब इसका कोई ऐसा तो स्वाद नहीं होता है, चटनी की तरह तो इसे खाया नहीं जाता है, मगर जब ये बनता भी है ना तो इसकी जो अरोमा होती है वो इतनी अच्छी लगती है, रिफ्रेशिंग फ्रेश सी अरोमा होती है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है और इसको मैं हमेशा बना के रखती हूँ। अब ये जो मेरा बन गया है ये मेरा 15 दिन का कोटा है, 15 दिन तक मुझे कोई अदरक लहसुन अलग से पीस के यूज करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये तो हमने मिक्सी में पीसा है, जिन लोगों के घर में सिलबट्टा होता है सिलबट्टे पर भी इस पेस्ट को हम पीस सकते हैं, उसका स्वाद और ज्यादा आता है क्योंकि वो और भी ग्रैन्युअली जो है मतलब ग्रैन्युअल्स उसमें और खत्म हो जाते हैं और बिल्कुल पेस्ट के फॉर्म में वो आ जाता है। तो जिनके घर में सिलबट्टा है वो सिलबट्टे पे भी ट्राई कीजिएगा, मिक्सी में भी ट्राई कीजिएगा, तो आपको टेस्ट का अंतर पता चलेगा। पहले मेरे पास सिलबट्टा था लेकिन वो बहुत इतना सा था, उसके ऊपर मैं इतना सारा पेस्ट नहीं पीस पाती थी, थोड़ा वोड़ा जो भी चाहिए होता था वो मैं पीस लेती थी। तो ये है। इसके अलावा कुछ सब्जियां मैं ऐसी बनाती हूँ जो कि हरे मसाले में बनती हैं,
लहसुन धनिया और हरी मिर्च को पीस करके बनती है, वो भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूंगी। सर्दियों के मौसम में वैसी सब्जियां तड़की हुई खाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। सो अभी के लिए मैं लेती हूँ आपसे विदा। इस अदरक लहसुन के पेस्ट को जरूर ट्राई कीजिएगा, बनाने की भी और अपनी सब्जियों में ऐड करने की भी, और सब्जियों में क्या अलग टेस्ट आया, आपका अलग एक्सपीरियंस क्या रहा, टेस्ट कैसा बना, मेरे साथ अपने प्यारे कमेंट्स द्वारा अपने एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर कीजिएगा। सो मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।